हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साबूदाना और आलू की चकली बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही क्रंची लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। हम इसे व्रत और उपवास में भी खा सकते हैं। मैं पूरे साल के लिए साबूदाना और आलू की चकली बना लेती हूँ और उसे स्टोर कर लेती हूँ, इसलिए जब भी मन चाहे उसे हम तल के तुरंत ही खा सकें। इस वीडियो में मैंने आलू और साबूदाना की चकली की संपूर्ण जानकारी दी है, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साबूदाना और आलू की चकली बनाने में हमें साबूदाना मैंने 1 किलो लिया है और आलू भी 1 किलो लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं साबूदाना और आलू की चकली बनाने की रेसिपी। साबूदाना को मैंने पानी में 1 रात के लिए भिगो दिया है और अब हमारे साबूदाना एकदम सॉफ्ट बन चुके हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से भीग गए हैं और एकदम सॉफ्ट बन गए हैं। अगर साबूदाना सॉफ्ट हो तभी हमारी चकली एकदम क्रंची बनती है और खाने में हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। साबूदाना हमने जिस पानी में भिगोया था उसी पानी में हम उसको उबालेंगे। हमें फ्लेम मीडियम रखना है, हमें हाई फ्लेम नहीं रखना है। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। हमें थिक बॉटम वाला बर्तन लेना है, धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत गाढ़ा ना हो, इसलिए हम उसमें बार बार, जब भी ये गाढ़ा हो तब हम इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। हमें इसे तब तक उबालना है कि जब तक सभी साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हमें जब तक ये सभी साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे ऐसे ही उबालते रहना है। जब सभी साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तभी हमारी चकली एकदम क्रिस्पी और क्रंची लगेगी हमें। यहाँ 1 किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। सभी आलू मैंने अच्छी तरह के उबाल के उसे कद्दूकस कर लिए हैं। कद्दूकस करने का यही फायदा है कि वो साबूदाने के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। देखिए, अब हमारे सभी साबूदाना बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। सभी साबूदाना एकदम से ट्रांसपेरेंट और गाढ़े बन गए हैं। इसमें हम अब सब मसाले ऐड करेंगे। अगर हमें बहुत तीखा चाहिए तो हम इसमें सादा मरी पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे घर में बहुत कम तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, अदरक और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब हमने जो कद्दूकस किया है आलू को, अब हम वही डालेंगे। अब हमें इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना होगा, तभी हमारी चकली बहुत अच्छी बनेगी। आलू और साबूदाना हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए, कहीं पे हमें आलू नहीं दिखाई दे रहा है। सभी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा रखा है,
जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। हमने एक प्लास्टिक की बैग में इसे भर के उसे नीचे से काट के चकली बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ी ही देर में फटाफट से बहुत सारी चकली बन जाती है। मैंने पूरे साल के लिए थोड़ी ही देर में बहुत सारी चकली बना ली है। इसे अच्छी तरह से सुखाना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन के लिए अच्छी सी धूप में इसे सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कैसी धूप में सूख रही है। सूखने के बाद ये कैसे लग रही है देखिए। ये बहुत अच्छी तरह से अब सूख गई है। देखिए कैसी आवाज़ उसकी आवाज़ भी आ रही है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमें तेल को बहुत अच्छे से होने देना है, फिर ही हमें चकली डालनी है। देखिए कैसी फूल गई है। देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। हमारी चकली अब बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।